अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो एक साल पहले जन्म घुट्टी भारतवर्ष को पार्लियामेंट में खड़े होकर पिलाई थी कि भाई आर्टिकल 370 हम हटा दिया है और अब देखिएगा हम कैसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का भला करेंगे, बाबा जी का घंटा कुछ नहीं किया। क्या वहां बैठे हिंदुवाद के अंत अर्थात वो 100-150 संत क्या इतने बड़े नाममर्द हो गए हैं कि उन्होंने उठा करके मोदी को वहां से बाहर नहीं फेंक दिया? 5 अगस्त 2020 भारतवर्ष इंडिया में इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा और इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो यही है कि आज एक साल हो गए आर्टिकल 370 को लिक्विड किए हुए, कम किए हुए, हटा तो नहीं पाए, वो उसको एब्रोगेशन कहते हैं, हटा दिया कहते हैं, लेकिन खाली कुछ अंश कम किए हैं। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 तो अभी भी लगा हुआ है। तो उसके एक साल होने के बावजूद ना तो कश्मीरी मुसलमान सुखी है ना कश्मीरी हिंदू सुखी है। तो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो एक साल पहले जन्म घुट्टी भारतवर्ष को पार्लियामेंट में खड़े होकर पिलाई थी कि भाई आर्टिकल 370 हम हटा दिया है और अब देखिएगा हम कैसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का भला करेंगे, बाबा जी का घंटा कुछ नहीं किया। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम समझ लें कि ये जुमलेबाज लोग जो हैं ये कानून के साथ भी खेलते हैं। तो आर्टिकल 370 के साथ जो खेला और उसके बावजूद आज एक साल होने के कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। चाहे वहां आतंकवाद की बात करी जाए तो चलता चला आ रहा है, बेरोजगारी और भुखमरी चलती चली आ रही है, इंडस्ट्रीज नाम की कोई चीज नहीं है जो इन्होंने लगाई हो, गरीब वहां भी बुरे हाल है, देश में बुरे हाल है, लेकिन काले अक्षरों से आज की तारीख इस देश के इतिहास में लिखी जाएगी कि आर्टिकल 370 के नाम पे बकवास करने वाले मोदी और शाह आज एक साल बाद भी कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का कुछ नहीं कर पाए। और जो हुआ चीन के साथ वो हमने देखा कि ईस्ट लद्दाख में चीन घुस गया है और कोई जानता भी नहीं कि इस समय उसको निकाल भी पाए कि नहीं। खैर, काला अक्षर से इसलिए भी ये इतिहास लिखा जाएगा आज की तारीख 5 अगस्त 2020 क्योंकि आज हिंदुवाद का, हिंदुइज्म का मजाक आरएसएस, बीजेपी और खास करके मोदी ने उड़ाया। अगर कोई हिंदुवाद का अपमान करता है तो उसको कौओं, चीलों, भेड़ियों की तरह लोग सड़क पे नोच खाते हैं, ये देखा है हमने, राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुवाद के नाम पे। लेकिन आज मोदी को किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, किसी ने जूता नहीं मारा, किसी ने डंडा नहीं मारा मोदी को कि तुमने हिंदुवाद का या उनकी भाषा में कहें तो हिंदू धर्म का ऐसा अपमान कैसे कर दिया। और वो भी सारा तामझाम लेके, उनके जो प्रिय आज निकल के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी, नाम तक बोलना नहीं आता है मोदी को, वो चीफ मिनिस्टर को कहते हैं आदित्य योगीनाथ जी जबकि उनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। ऐसे व्यक्ति की हाजिरी में और बाकी संतों की हाजिरी में, काफी बड़ा जमावड़ा लगा था संतों का, संतों की हाजिरी में एक आदमी, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसने आज हिंदुवाद का अपमान किया। भारत में इतिहास गवाह है और बहुत दूर जाने जाने की जरूरत नहीं है। 1989 में विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल की हाजिरी में, जो कि भारत सरकार की राजीव गांधी सरकार में रहे होम मिनिस्टर बूटा सिंह के साथ समझौता करार के हिसाब से जाके 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद, कमलेश चौपाल और अन्यों ने रामलला के जन्म स्थान का, राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया था, भूमि पूजन हो चुका था, शिलान्यास हो चुका था। तो आज नरेंद्र मोदी ने उसी पर्पस से, उसी बात को कंसिडर करते हुए कि दोबारा शिलान्यास करना है, आपने फिर हिंदुवाद का अपमान किया क्योंकि हिंदू रीतियों, प्रथाओं और हिंदुवाद के अनुसार यदि एक जगह पे एक कारण से आपने शिलान्यास कर दिया है तो उसका आप दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन नामुराद नरेंद्र मोदी जो हिंदू कहलाने के लायक नहीं,
कलंक है, नरेंद्र मोदी हिंदू कहलाने के लिए कलंक है, हिंदुओं पे कलंक है, उसने आज फिरमा शिलान्यास किया, फिरमा भूमि पूजन किया। क्या वहां बैठे हिंदुवाद के अंत अर्थात वो 100-150 संत क्या इतने बड़े नाममर्द हो गए हैं कि उन्होंने उठा करके मोदी को वहां से बाहर नहीं फेंक दिया? कैसे फेंक सकते थे, वो तो गए थे उसकी चापलूसी करने, तभी तो बैठे थे। तो हिंदुवाद का अपमान अगर सड़क पे कोई कर दे तो कुत्तों और भेड़ियों की तरह इनके लोग उसे मार डालते हैं, नोच खाते हैं। और आज नरेंद्र मोदी हिंदुवाद का अपमान पे अपमान करते हुए, अपमान पे अपमान करते हुए सकुशल वापस चला आया, कमाल। I mean, 1989 में तो शिलान्यास हो गया, अयोध्या में कई सारे राम मंदिर ऑलरेडी हैं और हर महंत उस मंदिर का कहता है रामलला यही जन्मे थे। तो बाबरी मस्जिद गिरा के उस जमीन पे रामलला के नाम पे मंदिर बनाना ये हिंदुवाद का अपमान है, क्योंकि अभी तो वहां एक दर्जन से ज्यादा अयोध्या के जो राम मंदिर ऑलरेडी हैं, हर महंत कहते हैं रामलला यही जन्मे थे, यानी एक दर्जन झगड़े तो वहीं है, किसे पता कौन से मंदिर की जगह पर हुए थे। और ये एक नया कांड ले आए, है ना, क्योंकि रामायण में तो कांड ही कांड है, बाल कांड से लेके उत्तरकांड तक कांड ही कांड है, और आज एक नया जुड़ गया, मोदी फ्लॉप शो कांड। मान के चलिए कि 2000 और 1500 फ्लैट वाली सोसाइटियों में जहां 5-6 हजार लोग रहते हैं हर सोसाइटी में, गिनती के 20-25 मकानों के अंदर सिर्फ दिया जलाया या वो लाइट लगाई हो, बाकी 95% से ज्यादा ने कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दिया आज की तारीख को। और जब मैंने ये बात सोशल मीडिया पे डाली तो मुझे लगभग हर शहर से, कई राज्यों के कई शहरों से मुझे यही जानकारी मिली कि आज किसी ने भी इस शिलान्यास के नाटक को पसंद नहीं किया, किसी ने भी ना तो दिए जलाए, ना घंटा बजाया, ना बत्ती बुझाई, ना लाइट लगाई। कहीं मुश्किल से 10 सोसाइटियों के बीच में किसी एक सोसाइटी में किसी ने सुंदरकांड रख दिया, मैंने देखा, तो वो सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, 5000 लोगों की सोसाइटी है, 50 लोग बैठे हैं और माइक लेकर के चिल्ला रहे, तो आवाज तो होगी लेकिन हकीकत में देखा जाए तो दम नहीं। यानी लोगों ने मोदी के इस राजनीतिक राम तक को रिजेक्ट कर दिया। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं जब से मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं कि नहीं भाई, मेरी तो आस्था है राम में, मैं मानता हूं, दूसरों को मानना है नहीं मानना है वहां मैं ठीक हूं, आपकी आस्था है, आपकी आस्था को प्रणाम, मैं कौन होता हूं आपकी आस्था को कुछ कहने वाला, आप अपनी आस्था को बरकरार रखिए और मेरी तरफ से इज्जत उस बात पर। लेकिन किसी ने बड़ा सही कहा हमारी एक मित्र ने कि जिस तरीके से लॉकडाउन के पहले जनता कर्फ्यू वाले दिन और उसके बाद एक आध बार जो घंटा बजाओ और बत्ती बुझाओ का जो रिस्पॉन्स मिला था मोदी को, आज पॉलिटिकल राम मंदिर की नींव का पत्थर रखने पे नहीं मिला। ये बड़े अचंभे की बात है, बड़ा चौंका देने वाला सच है। आज आप भी सब तरफ अगर नजर उठा के देखे होंगे तो कहीं कोई सेलिब्रेशंस नहीं हुए। हो सकता है कि नेशनल मीडिया, खास करके गोदी मीडिया, वो कुछ सिलेक्टेड एरिया के आपको विजुअल्स और चित्र दिखाए, वो उसका काम है क्योंकि उसे अपना काम करना है। हो सकता है सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज या वीडियोस फ्लोट करती हों कि भाई इस तरीके से फला सोसाइटी में सेलिब्रेट हुआ, जरूर हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी वालों के पास तो आज की तारीख में कोई काम ही नहीं था सिवाय कि किस तरीके से इस अवसर को वो सेलिब्रेट करें, तो उन्होंने तो किया। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सेलिब्रेशन करने से हिंदुओं का सेलिब्रेशन हो जाता है? कतई नहीं। नजर उठा के देखिए, इस समय देखिए, आप इस लाइव पे अपने दरवाजे खिड़की खोल के चारों तरफ देखिए, कहीं आपको लाइट नहीं दिखेगी जो कलरफुल हो, कहीं दिए नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। दिवाली मनाने के लिए कहा था ना, तो दिवाली में तो सारी रात दिए जलते हैं, दिवाली में तो सारी रात लाइटें जलती हैं, दिवाली में पटाखे चलते हैं, क्या हुआ? हो सकता है कहीं पटाखे चले हों, हो सकता है कहीं दिए लगे हों, कहीं लाइटें लगी हों, पर वो पूरे हिंदुओं की जो जनसंख्या है उसका 2% भी नहीं है, 2% भी नहीं है। अगर है तो कोई साबित करके दिखाए। 98% हिंदुओं ने इस नकली शिलान्यास
और पॉलिटिकल राम मंदिर के ऊपर किए गए आज के मोदी के 5 अगस्त 2020 के ड्रामे को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। कई लोग लगे पड़े हैं कि सोनिया गांधी भी राम के बारे में बोल रही हैं, राहुल गांधी भी राम के बारे में बोल रहे हैं, और प्रियंका गांधी भी राम के बारे में बोल रही हैं, और नेतागण भी राम के बारे में बोल रहे हैं। ये सवाल संघी पूछ रहे हैं। अरे संघी, और राम तुम्हारे बपौती नहीं है, तुम्हारी बपौती नहीं है, तुम्हारे नाथू राम ने जिसको राष्ट्रपिता को मारा था उनके अंतिम शब्द थे हे राम। महात्मा गांधी तो जीते ही थे राम की जीवन शैली पे। इस देश के अंदर हर ईश को इज्जत दी जाती है, हर को। लेकिन आज वो नामुराद नरेंद्र मोदी आज वहां अयोध्या के मंच से कहता है दैट राम इज द कॉमन थ्रेड फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। मतलब कुछ ये निकलेगा कि श्री राम वो जरिया है जिसकी वजह से इस देश में जो विभिन्नता है उसमें एकता आती है। गलत, गलत। नरेंद्र मोदी जैसा अनपढ़ गंवार आदमी नहीं, नरेंद्र मोदी गुजराती है। मैं खुद 30 साल गुजरात में रहा हूं। गुजरात में कोई ना तो श्री राम का नाम लेता है ना विष्णु का लेता है। सुबह उठते ही जितने गुजराती देख रहे हैं और जो गुजरात जा चुके हैं वो जानते हैं, पैदा जन्म तो ठीक है लेकिन जैसे ही गुजरात में सवेरा होता है अर्थात सुबह होती है या दो गुजराती मिलते हैं, हिंदू की बात कर रहा हूं, तो वो जय श्री कृष्ण बोलते हैं। वहां तो राम का नाम तक नहीं लिया जाता। और ये भाई साहब गुजरात से इंडिया में बैठ करके जय श्री राम की बातें करते हैं। आज देखा कमाल हुआ, आज जय श्री राम का नारा नहीं लगा वहां। आज खुद मोदी और अन्यों ने जय सिया राम आज औकात में आ गए क्योंकि वो उनकी मानी हुई अयोध्या में खड़े थे और अयोध्या के अंदर जा करके वो अपना प्रोपेगेंडा वैसे तो कर रहे थे लेकिन वहां पे जय श्री राम नहीं बोल पाए। वहां पे मुंह से क्या निकला? जय सिया राम। हर वो संघी सीख जाए इस बात को, हर वो बिगड़ा हुआ हिंदू सीख जाए इस बात को कि आज से जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा। अगर तुमको लगाना भी है तो जय सिया राम तुम्हारे मोदी ने बोला है ना। कई लोग मुझे कहते हैं निशांत तुम तो राम में मानते नहीं हो, तो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर राम का नाम इस्तेमाल कर भी रही है तो मुझे क्या तकलीफ है। भारत के कानून के हिसाब से किसी भी ईश्वर का नाम पॉलिटिकली इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो हर भारतवासी को तकलीफ है, हर एक को तकलीफ है। क्योंकि ये वही लोग हैं बीजेपी और संघ वाले जिन्होंने एक मस्जिद को मर्डर किया, एक आस्था के स्थल का मर्डर किया और सबने देखा और बलपूर्वक किया और इतने बदमाश हैं कि इनकी जो सरकारें थी उस समय राज्य की यूपी के अंदर उसने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे से भी हाथ ऊंचा कर लिया। तो ये राम के भक्त नहीं है, ये मंदिर अभी भी नहीं बनाएंगे मान लीजिएगा। ये मोदी एंड गैंग ये मंदिर अभी भी नहीं बनाएंगे। इन्हें ये शिलान्यास का गलत शिलान्यास का ड्रामा बिहार इलेक्शन को देख के करना था, आपको कोविड-19 से दूर ले जाने के लिए करना था। चीन मेरे देश में जमीन पे आक्रमण करके बैठा हुआ है, 20 जवान मेरे शहीद हो चुके हैं, मेरे भारत की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, उससे आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए करना था। नेपाल ने उत्तराखंड जो कि मेरे देश का भाग है उसके कई भागों को अपने नक्शे में ऑफिशियली दिखा दिया और मोदी के किसी भी छेद से आवाज नहीं निकली। इस चलते उसको राम राम कराना था ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो। और तो और कल पाकिस्तान ने अपने नए नक्शे में इमरान खान ने जो रिलीज किया उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का नहीं माना है, लेकिन मोदी के किसी भी छेद से आवाज नहीं निकली दोस्तों। आज मुंबई में पानी भराव हुआ बारिश की वजह से, कोविड-19 में 19 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं, टेस्टिंग रेट भारत में 14-15 हजार के आसपास है 10 लाख लोगों पे, अमेरिका में 1,86,000 लोगों का टेस्ट होता है हर 10 लाख पे। उस रेशियो से देखा जाए, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो भारत में आज 2-3 करोड़ कोरोना मरीज का काउंट हो चुका है। लेकिन ये थकी हुई ये देश विरोधी भारत सरकार जो इस समय चला रहा है मोदी, इसे आपको हर उस बात से डाइवर्ट करना है, चाहे वो गरीबों की हालत हो, चाहे नौकरियां ना मिलने की हालत हो, चाहे स्कूल ना खोल पाने की हालत हो, चाहे कोविड-19 को कंट्रोल ना कर पाने की हालत हो, चाहे कोविड-19 को आने देने की बात हालत हो, चाहे
इस देश में गरीबी बढ़ते का कारण हो, चाहे इस देश के अंदर भुखमरी कगार पे हम खड़े हैं का कारण हो, चाहे इस समय सरकार एक एक पैसा खत्म करके भिखमंगी हो चुकी है, इससे डाइवर्ट करना हो तो आपको राम का नाम याद दिला देंगे। इसलिए इस नामुराद नरेंद्र मोदी को ये बिना मतलब का एक शिलान्यास का ड्रामा करना था, जिससे हिंदू अपमानित हो, हिंदू धर्म अगर माना जाए तो उसको अपमान हो, हिंदुइज्म का अपमान हो, हिंदुवाद का अपमान हो, राम का अपमान हो, विष्णु का अपमान हो, आपका अपमान हो, और क्या कर सकते हैं, और कितना अपमानित करेंगे ये लोग, और आप कितना अपमानित होंगे, ये आप पे है, ये आप पे, आपकी मर्जी पे है दोस्तों। इस वीडियो को आप जितने भी हजार लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, आप सबका धन्यवाद ऐसे हजारों की संख्या में जुड़ने के लिए, और बाद में आप लोग जितना भी देखेंगे धन्यवाद, लेकिन कितना अपमानित होना चाहते हैं ये मर्जी आपकी है। क्योंकि हिंदुओं का अपमान धार्मिक रीत से नहीं, वो इस देश का अपमान है। मुसलमान को आज आपने सेकेंड ग्रेड सिटीजन बना ही दिया, बना ही दिया आपने आज की तारीख में, आपके सोच के हिसाब से, मेरी सोच से नहीं, आपकी सोच के हिसाब से, जो आपने मन में ठान रखी थी कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना है, आज आपने अपनी सोच के हिसाब से कर दिखाया। क्योंकि रंजन गोगोई भी आज की तारीख में बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, आपने कर दिखाया। और अगर इस चीज का आप खुशी मनाना चाहते हैं, अगर आप इस चीज की दिवाली मनाना चाहते हैं कि आपने भारत सरकार में रहते हुए मिस्टर मोदी एंड बीजेपी, अगर आपने भारत के कुछ ऐसे अंश अपने कब्जे में कर लिए हैं सीबीआई से लेकर के जो मर्जी आप कह लें, तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि ये लंबी रेस की बात नहीं है। मैं मानता हूं कि 2004 से लेकर 2014 मनमोहन सिंह की सरकार ने सिर्फ एक गलती की थी, 2002 के जो पापी थे उनको फांसी पे नहीं चढ़ाया था, वरना तुम लोग आज होते भी नहीं यहां पे। लेकिन अब जिस तरीके से तुम इस देश को मिस गवर्न कर रहे हो, मिस रूल कर रहे हो, मिस गाइड कर रहे हो, प्रोपागेंडा कर रहे हो, और तो और हिंदुओं हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे हो, हिंदुइज्म का अपमान कर रहे हो, बहुत जल्द ये देश इस सरकार को गिरा के नई सरकार बनाएगा। और मान के चलिए कि आप लोगों को सिटीजन्स के ऊपर किए हुए क्राइम्स की सजा दिलवाएगा। आप पूछेंगे कौन दिलवाएगा, राहुल गांधी दिलवाएगा, पता नहीं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्म से आएगा, और तुम्हारा बाप आएगा, और तुम्हारा बाप आएगा मोदी, और मोदी और शाह और इनके जितने ये चमचे हैं ना, हिंदुइज्म, हिंदुवाद, भारतवर्ष, इंडिया, हमारे कानून, हमारे लोगों, हमारी रीतियों, चाहे मैं मानूं या ना मानूं, हमारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं इस देश के सेक्युलर डेमोक्रेटिक, उनको बर्बाद, उनको खत्म करने की कोशिश में मोदी और शाह का वो अंत होगा दोस्तों जो मैं आगे कहने वाला। एक श्री राम आएंगे और मोदी और शाह जैसे लोगों के पिछवाड़े में इतने बाण मारेंगे ना कि ये साले कंफ्यूज हो जाएंगे कि हगे कहां से और पादे कहां से।